Hi everyone, I'm Sarika Singh. You're watching me on Film Ki Baat with Sanjeev ji and Deepika ji. और मैंने अभी अभी एक सीरीज किया है जिसका नाम है काला पानी, जो कि 18 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पे ड्रॉप हुआ है. तो आप प्लीज देखिए, और अगर आपको सीरीज अच्छी लगी तो उसके बारे में बात करिए, और अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा हो तो प्लीज मुझे आप मैसेज कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको मेरा काम कैसा लगा. और आप आइए और देखिए, हमने एक छोटा सा इंटरव्यू किया है. और थैंक यू. हेलो ऑल, वेलकम टू फिल्म की बात, गेस्ट इन द हाउस शो। आज मेरे साथ एक बहुत ही जानी मानी एक्ट्रेस सारिका सिंह जी हैं, और सारिका सिंह जी अभी रिसेंटली नजर आई हैं काला पानी नाम की एक वेब सीरीज में, जो बहुत ही ज्यादा गजब की सीरीज है। अगर आपने नहीं देखी तो जरूर जाइए और नेटफ्लिक्स पे इसको देखिए। और आज हम सारिका जी से इस सीरीज के बारे में और उनके दूसरे कामों के बारे में बात करने वाले हैं। तो सारिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिल्म की बात में। थैंक यू संजीव जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. थैंक यू मैम। अच्छा सरिका जी, काला पानी से स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये जो रोल था, ये काफी डिफरेंट रोल था। वैसे तो खैर आपके लगभग सभी रोल मैंने जितने भी ऑब्जर्व किए हैं, सब सब में कुछ ना कुछ यूनिकनेस होती है। इस रोल में खास तौर पे, क्योंकि देखिए ये इस सीरीज के अंदर बहुत सारे ट्रैक्स हैं, बहुत सारे सब प्लॉट्स चलते हैं, एक साथ चल रहे हैं। जबकि आपका वाला जो प्लॉट है, जिसमें एक फैमिली है, एक हस्बैंड है, जो जिनका कैरेक्टर बहुत अच्छे से लिखा गया है, और वो काफी थोड़ा सा एक अंडर कॉन्फिडेंट है। एंड वहां पर एक वुमन, एज ए वुमन, घर की आप एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह वहां पे उस घर को संभाल रही हैं, बच्चों को भी। एक संवाद आपका उसके अंदर आता है कि घर के सारे मर्द जो हैं, इतने इतने सेंसिटिव क्यों सेंटी हो. इतने सेंटी क्यों हाँ तो ये इस रोल के बारे में कुछ बताइए। बहुत ही प्यारा रोल है, जिस तरह से लिखा गया है उतनी खूबसूरती से। लिखा हुआ बहुत सुंदर है. हाँ जी, सर, आधा आधा एक्टर का जो बैटल है वो उसी से आप जीत लेते हो, राइटिंग के बेसिस पे. और ये किरदार और वो जितने भी हमारे सीन्स हैं, सावला फैमिली के जितने भी सीन्स हैं, वो लिखे ही बहुत सुंदर गए हैं. बहुत अगर सुंदर। आप फादर और सन का भी वो सीन देखेंगे, जहाँ वो अपने फादर के बारे में अपने बताते फादर के हैं, बारे में बताते हैं, बहुत प्यारा सीन है। या हाँ, बहुत सटल तरीके से ये भी आ जाता है कि क्यों ये आदमी एक डरा हुआ सहमा सा आदमी भी है, कि इसने जो देखा, इसने ठान ली कि मैं ऐसा कभी नहीं ऐसा नहीं बनूंगा. कर राइट तो काफी लेयर बाय लेयर अगर आप देखेंगे तो काफी चीजें उन्होंने दे रखी हैं एक्टर्स को. तो हमारे लिए बहुत आसान था उस चीज में घुसना. और क्योंकि आप अब थोड़े से एक्सपीरियंस्ड एक्टर हैं, तो काफी चीजें पढ़ पढ़ के, या डायरेक्टर के साथ बात करके, या को एक्टर के साथ बात करके, आप और चीजों को नुआंस कर देते हैं. तो मेरे लिए तो बहुत ही एक सुंदर अपॉर्चुनिटी रही है ये गार्गी का रोल प्ले करना. और प्रेपरेशन मेरी मेजरली जो थी वो डायलेक्ट पे थी, जिसमें विकास जो संतोष का कैरेक्टर प्ले करते हैं उन्होंने मेरी काफी हेल्प की, क्योंकि वो खुद बोकारो से नहीं, वो बिहार शरीफ से हैं, जी, तो और दूसरे उनकी वो खुद बिहारी भी बहुत मेरे ख्याल से वीक डायलेक्ट करेक्टर है वो, है ना? कोच है. यस कोच। यस यस. तो हाँ, तो उन्होंने मुझे बस वही कहा कि सारिका, इस पे ना तुम ज्यादा डायलेक्ट पे ध्यान मत देना, नहीं तो पता चला इमोशन छूट गया. तो इमोशन भी रहे और डायलेक्ट भी रहे, तो हमने बीच में एक फाइन बैलेंस उसका बनाया. और मैं खुद उतनी स्ट्रांग नहीं हूँ, पर्सनालिटी वाइज. तो मेरे लिए गार्गी को करने में अपने आप में बहुत स्ट्रेंथ लानी पड़ी टू फील व्हाट शी इज फीलिंग. एंड दैट मैं इतनी हॉस्पिटल करेजियस नहीं हूँ सीन, दैट हॉस्पिटल ऑनेस्टली. सीन जो है आपका, बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग है वो। वो जो सीन, उसके बारे में कुछ बताइए। वो जो सीन था, वो कितने टेक हुए उस सीन के? एंड थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि इतना इमोशनली चार्ज सीन है वो, कि जब आप एज ए दर्शक भी आप देखते हैं, तो आप कहीं ना कहीं एक छोटा सा आंसू का कतरा आपकी आंखों में आ जाता है। दैट इज सो ब्यूटिफुली शूटेड। तो थोड़ा सा बताइए उस सीन के बारे में। संजीव जी, वो ना हमारा ऑडिशन सीन था. अच्छा तो एक ऑडिशन के वक्त ही जब वो सीन आया था, और अगर आप जो देख रहे हैं वो एक्चुअली काफी कट चुका है. जो ओके सीन था वो बहुत लंबा सीन था, दोनों सीन्स हॉस्पिटल के, जब पहली बार संतोष आता है और जब दूसरी बार जब ये मर रही होती है तब जब आता है. तो काफी लंबे लंबे सीन्स थे और उन दोनों का ही ऑडिशन था. तो जब मैं पढ़ती थी ना, पढ़ते पढ़ते ही मैं चौक हो जाती थी, राइट राइट क्योंकि इतना कुछ था. और आप बोल रहे हो गॉड, ये सीधा ऑडिशन पे करूंगी, हाँ
लाइनें कर लेती हूँ, क्योंकि हाँ अगर मैंने इमोशनली इसमें इन्वेस्ट किया तो पता हाँ चला ऑडिशन के वक्त कुछ फील ही नहीं हुआ। लेकिन हाँ खैर ऑडिशन बहुत स्मूथ गया और दोनों डायरेक्टर्स रूम में थे जब ऑडिशन हुआ, और उन्होंने स्टेप बाय स्टेप बारीकी से समझाते चले कि सारिका इसमें ऐसा है, ये अच्छा अप्रोच है, लेकिन अगर हमने इसको ये सोच के लिखा था तो अगर तुम उस तरीके से करो तो। करते कराते वो बहुत एक अच्छा तगड़ा ऑडिशन हुआ था। तो सर उस ऑडिशन के बाद ऑनेस्टली उस सीन को मैंने नहीं छेड़ा, मैंने कहा ये मेरे साथ है, ये मेरे साथ रहेगा। तो हम सीधा विकास और मैं भी, हमने कहा था हम ज्यादा इस पे रिहर्सल नहीं करेंगे, क्योंकि जितना रिहर्सल करेंगे वो मैकेनिकल ना हो जाए, आई थिंक कुछ सीन्स ऐसे होते हैं जिनको दोबारा से रिक्रिएट भी नहीं कर पाता आर्टिस्ट। नहीं कर सकते वो ये लोग। उस कैटेगरी में आता है आई थिंक, ये वाला जो सीन है हाँ आई अग्री, बहुत ही हार्ड आई टाइम। अग्री सर, वैसा है ये। तो हम जब कर भी रहे थे तो उतने टेक्स टेक्स नहीं हुए, मैग्निफिकेशंस थे। और जो संतोष जी ने जो एक पीपी किट पहनी हुई, एक पीपी सूट जो उन्होंने पहना हुआ है, उसमें चैलेंज ये था कि रिफ्लेक्शन आ जाता था लाइटों का या फॉग आ जाता था, और वो इतना रो रहे थे कि अंदर से पूरा प्रेशर आ जाता पूरा। चिपक जा रहा था। तो वो वाली जो चीजें थी उस वजह से हमने कई बार टेक्स किए, बट आई थिंक सीन वाइज इमोशन वाइज हम काफी एक ही पेज पे थे, और माहौल भी डायरेक्टर्स ने और मेकर्स ने इस तरीके का बनाया हुआ था सेट पे कि सबने एक चुप्पी रखी हुई थी और सब इस सीन को सपोर्ट करने में लगे हुए थे, कि नहीं तो सेट्स पे बहुत हंसी ठहाका और किस बहुत कुछ होता है, लेकिन उन्होंने उस दिन दे इंश्योर्ड कि वो पूरा सेट में एक क्वाइट माहौल था, उसने भी काफी हेल्प किया पूरे सीन काला को। पानी में एक्चुअली बहुत सारे जितने मैंने बताया जितने सब प्लॉट्स हैं सब बहुत इंटरेस्टिंग है, बट आई डोंट नो व्हाई कि ये फैमिली वाला जो ट्रैक है ये मेरे को बहुत हार्ट टचिंग लगा। और इसमें जितने भी सीन्स थे आप लोगों के वो सच में वाकई मैं भूल नहीं पाऊंगा। मतलब जब भी कभी हम याद करेंगे सीरीज को तो मुझे सबसे पहले यही चीजें याद ध्यान आएंगी। एक उसके बाद एक सीन और था तो जब वो एक उसमें गिर जाते हैं गड्ढे में एंड देन वहां से जब बाहर, पिट में। हाँ देन उसके बाद फिर आप वहां पर दिखती हैं उनको अपने हेलुसिनेशन में, हाँ हाँ वो भी एक वो भी बहुत प्यारा एकदम कन्विंसिंग सीन था और बहुत। सर वो मेरा पहला दिन था शूट का, ओके 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 और मैं ऐसे हो रही थी, मैंने कहा ये एक्चुअली मेरे पूरे सीरीज का आखिरी शॉट है, लेकिन वो था मेरा पहला दिन। यार तो इस एज एन अनफॉर्चुनेट एक्टर यार हमने जब, आपको खो दिया, सेकंड सीजन में आपको मिस करेंगे बहुत ज्यादा। अरे मैं अमर हो चुकी हूँ तो सर। सारिका जी हमारे साथ दीपिका भी जुड़ गई है, मेरी सहभागी सहयोगी हैं ये, एंड शी इज हाँ ऑल्सो फ्रॉम आरपीआई। तो दीपिका स्वागत है। ओके मैं तो कुछ सवाल शुरू कर चुका हूँ अभी सारिका जी से, आप कुछ पूछना चाहें तो पहले आप पूछिए देन उसके बाद हम करते हैं। नमस्ते आते हैं सारिका दीपिका जी। जी, जी हाँ नमस्ते नमस्ते दीपिका, कैसे हैं आप? आप कैसे हैं सारिका जी? बस मैं भी ठीक। मैं और सजीव जी बात करते कि बहुत ही अरसे बाद एक ऐसी कोई सीरीज आई है जो मतलब जिसे कहते हैं हर कोई जिसकी बात कर रहा हाँ, आई एग्री। आप है। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं सारिका जी जो सच में दिल को छू जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो दिल में रह जाती हैं, मतलब दिल में बस जाती हैं। तो शायद काला पानी की कहानी या जिस तरह से सारे कैरेक्टर्स का रोल है, जिस तरह से हर पात्र को निभाया गया है, वो वाकई दिल में बस जाता है। मतलब कहीं ना कहीं आप सीरीज खत्म होने के बाद, देखने के बाद भी वो आपके दिमाग में घूमता और चलता हॉन्ट रहता है। करता है। बिल्कुल। और आपका कैरेक्टर कहें या आपके हस्बैंड का रोल जो किया है, इवन बच्चों का रोल, मतलब हर बच्चे भी, एक हाँ जान डाली है। वाकई ये बहुत बेहतरीन है। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगी इस सीरीज के लिए, थैंक यू दीपिका जी। बहुत ही बेहतरीन सीरीज है। मतलब मैंने जिस दिन से देखी है वो कोई भी दिन ऐसा नहीं गया कि कोई ना कोई सीन उसके दिमाग में चलते रहे। क्या बात और है, सबसे ज्यादा जैसे सफारी में बोले नॉन वेज है नहीं खाना, और कैसे सर उन्होंने वो कितनी हिम्मत करके वो लिया, मतलब वो अंडा, एक बिल्कुल और आपको सोचने पे मजबूर कर देता है कि जीवन जीने के लिए आप किस जा सकते जा हैं, मतलब सकते अपने हैं। आप हाँ या अपने अपनों को बचाने के लिए एक सीधा साधा शांत किस हद तक जा सकता है। तो ये बहुत क्या सारी बात चीजें का बहुत ज्यादा मिक्स है है। हाँ और सच्ची मतलब जहन में बस जाने वाली सीरीज है। जहां तक थैंक मैं यू बात करूं दीपिका जी।
डायलेक्ट या डायलॉग्स या कुछ, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, किसी भी डिफरेंट डायलेक्ट को जैसे हमें कॉपी करना है किसी भी कैरेक्टर के लिए, तो ये कितना आसान या कितना मुश्किल होता है? दीपिका जी, इट ऑल डिपेंड्स। अब जैसे मेरे लिए ना सुन सुन के उसको लाना बहुत इजी है मेरे लिए, बट अगर मैं नहीं सुनूं और सिर्फ करूं कि अच्छा इसको श को स करना है, प को फ करना है, ब को व करना है, उससे मुझे नहीं समझ आएगा। मैं जब इंसान को सुनती हूँ ना, उस भाषा को या उस डायलेक्ट को बोलते हुए, तब मेरा चीजें जल्दी ट्यून इन होती हैं। तो हर किसी का अपना अपना एक बहुत इंडिविजुअल प्रोसेस होता है कि फोनेटिक्स को आप किस तरीके से अपनाते हैं। तो आई थिंक ये बहुत ही सब्जेक्टिव चीज है, लेकिन आई डोंट थिंक सो इट्स दैट डिफिकल्ट। सुनने से, उस चीज को दिमाग में हर बार प्ले करने से आ जाता है। जी बिल्कुल, सच सही कहा आपने, जो चीजें हाँ हम बार बार सुनते हैं वो हम जल्दी सीख आ जाते जाता हैं। है। हाँ, आप मैं एक अगर हफ्ता सिर्फ अंग्रेजी फिल्में देखें, आप हाँ आ जी जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। बिल्कुल, तो वो वैसा ही है। जैसे आप किसी दूसरे शहर जाएं जहाँ की भाषा अलग है और कुछ दिन वहां रहते हैं, तो जब एक ही तरह की टोन और भाषा या उसका स्टाइल हाँ, डायलेक्ट सुनते हैं तो आपके लैंग्वेज में ये खुद ब खुद आने लगता है। आ जाता है। ये यस बिल्कुल यस सही कहा आपने। अच्छा, अगर मैं इससे काला पानी से हटके थोड़ा सा अगर मैं आपसे बात करूं, मुझे एक और आपकी मूवी बहुत पसंद आई थी, आवाज गई है। उसमें सॉरी, मुझे बहुत सारे नहीं, आप नहीं सुनाई नहीं आवाज आ दिया। रही है। अब आ जी, रही है, रानी लेकिन हाँ, प्रताप की तेरी के बारे में राम अगर मैं प्रसाद बात की करूं, थेवी। जी, प्लीज बताइए। वो मेरी मेरा वो भी बेस्ट मुझे बहुत एक्सपीरियंस है आज पसंद तक का। आई वो बहुत हाँ। सारे उसमें लोग हैं, बहुत सारे मंझे हुए कलाकार हैं, तो मैं उसके बारे उसका एक्सपीरियंस आपका जानना चाहती हूँ कि इतने सारे, जैसे इसमें तो आपका एक छोटा रोल और कुछ लोगों के साथ, उसमें बहुत बड़ी फैमिली दिखाई है, बहुत मंझे कलाकार हैं, तो उनके साथ काम हाँ, करने का एक्सपीरियंस या उसके बारे में कुछ बताइए। बहुत मजेदार दीपिका जी। मतलब दो हमने ना उसको 20 दिन शूट किया है, और वो 20 दिन मेरी आज तक की लाइफ के मुझे लगता है बेस्ट डेज हैं। एज एन एक्टर, जब आप सुबह उठते हो, आप रेडी होते हो एक किरदार में घुसने के लिए, आपको रेडी होना पड़ता है कि मुझे इसमें घुसना है सेट पे जाके। लेकिन वहां वैसा था ही नहीं। हम सुबह सारे वो एक्टर्स जो आपको उस फ्रेम में दिखते हैं फिल्म के, हम सब एक ही होटल में रहते थे। अच्छा, सीमा जी जो राइटर डायरेक्टर हैं, वो भी वहीं रहती थी। सब सब वहीं रहते थे। तो सुबह नाश्ते से लेकर सेट पे पहुंचने के बाद, कमरों से लेकर सेट पे लेकर सब जगह हम हमेशा बस साथ रहे। तो ना सडनली हम भूल चुके थे कि हमें सारिका हूँ, ये अनुभा है, ये विक्रांत है, हम सब कैरेक्टर्स बन चुके हैं। मतलब हंसी मजाक ठहाका। सीमा जी कई बार डांट भी देती थी कि यार शूट कर ले, अगर तुम्हारी मस्ती खत्म हो गई हो तो शूट कर लेते हैं। तो बहुत सुंदर एक्सपीरियंस था। और जितने भी दिग्गज एक्टर्स थे, सारे उन्होंने मुझे A to Z सारे ये दिग्गज एक्टर। फील ही नहीं। हाँ, और सर मैं नई थी, मैं कोई बहुत ज्यादा काम करके आई नहीं थी, और मैं आई थिंक वहां पे सबसे छोटी थी उस भाई बहनों के सर्कल में। उन्होंने मुझे कभी भी ये फील नहीं कराया कि मैं वो सीनियर्स हैं और मैं जूनियर हूं, या कहीं भी कुछ आपको बातों बातों में किसी ने कुछ बोल दिया, बिल्कुल भी नहीं। सब बिल्कुल एक यूनिट की तरह, एक यूनिसन में हम जी रहे थे। बहुत मजा आया। सारे, मतलब नसीर सर 2 दिन के लिए आए थे वहां शूट पे, वो भी इतने खुश। उन्होंने कहा, यार सीमा तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बुलाया यहाँ पे, मुझे 2 दिन का शूट क्यों दिया। तो उस लेवल का एक माहौल वहां पे सीमा जी ने बनाया था, और बहुत सपोर्टिंग एक्टर्स थे सबके सब। तो मैं तो बाकी ऐसी थी वो बिल्कुल कि वाव, अरे अरे वाव, ये सीखने वाली बात है यार। ये सीखने जैसी चीज है कि कोई किसी को आंक ही नहीं रहा है आपके एज वाइज, या काम आपने क्या किया क्या नहीं, सब इक्वल्स थे।
जी सीमा, ये मैं सारिका जी आपको बताऊँ, मेरी सीमा जी से ही बात हुई थी, जूम के बाद ही बात हुई थी, और उन्होंने हाँ यही बात कही जो आप कह रहे हैं ना, कि वो हमारी लाइफ का बेस्ट टाइम, हाँ मतलब इतना एंजॉय उन्होंने बेस्ट है। किया, और वो सारे इतने मंजे हुए, इतने दिग्गज एक्टर, आई हाँ मीन आई एम श्योर कि आप लोगों को तो बहुत ज्यादा मजा आया होगा। स्पॉइल सर, हमको स्पॉइल कर दिया सीमा जी ने। अब हम जब बिल्कुल। सेट पे जाते हैं, हम बोलते हैं अरे यार यहाँ फील नहीं आ रही है, क्योंकि इतना फैमिली वाला माहौल उन्होंने दिया वहां, तो बहुत सुंदर बिल्कुल। एक फिल्म आपकी और भी है कामयाब, संजय मिश्रा जी के साथ, दैट इज था। हाँ जी मास्टरपीस फिल्म, उसमें भी या उसमें उसको बताइए उसके बारे में, संजय मिश्रा के साथ रोल करना, क्योंकि आपके काफी इंटेंस सीन थे उसके साथ, मतलब जिसमें आप उनको डांट रहे हैं, और वो थोड़ा सा बताइए उसके बारे में। हाँ सर, संजय मिश्रा जी के साथ ये मेरा पहला प्रोजेक्ट था, और मैं काफी डरी हुई थी, क्योंकि आप हर एक एक्टर को लेके एक एक इमेज बना के चलते हैं कि यार ये NSD में है, इतने सीनियर एक्टर हैं। तो मेरा जब पहले दिन ही वर्कशॉप हुआ उनके साथ, उन्होंने मुझे इतना इजी फील कराया, इतना फ्री फील करवाया, और उन्होंने काफी चीजें मुझे अपने दोस्तों की बताई जो उतने सक्सेसफुल नहीं है एज एक्टर्स, अच्छा। लेकिन वो कैरेक्टर एक्टर्स प्ले करते हैं छोटे छोटे छोटी फिल्मों में छोटे छोटे रोल्स। तो वो जब वो बताने लगे कि यार मेरा वो दोस्त है ना यार, वो उसका बेटा उससे हमेशा पूछता है कि पापा क्या क्या मतलब हम क्या बोले बाहर जाके, आप क्या करते हैं, कहीं तो दिखते नहीं है आप, ना किसी फिल्म में ना किसी सीरियल में, कहीं भी नहीं दिखते। तो वो सारी चीजें ना जहन में जो है बैठती गई बैठती गई बैठती गई, और जब वो सीन प्ले करने का मौका आया, तब तक वो इतनी आ चुकी थी कि वो बहुत ऐसे इजीली निकल गया। सो संजय जी के साथ एक बिना कहे वाला जो एक ज्ञान है ना, कि एक होता है कि मैं तुमको बताता हूँ आओ मैं सिखाता हूँ तुमको कैसे करते हैं, वो सब नहीं है। वो बहुत सटल तरीके से आपके जहन में चीजें भर रहे हैं भर रहे हैं भर रहे हैं, इतना उनके पास भंडार है नॉलेज का, एंड इज अ फिनोमिनल एक्टर, तो सोने पे सुहागा। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा संजय जी के साथ, अद्भुत अच्छा रहा इनफैक्ट। सारिका जी, आपकी मूवीज के बारे में और लेटेस्ट काला पानी के बारे में तो हम कर ही रहे हैं बात, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आपकी जो शुरुआत थी एज एन एक्टर्स वो कैसे हुई, थोड़ा सा क्यों जानना चाहते हैं कि कैसे आप आए फिल्मों में और क्या सफर रहा, कुछ अच्छे माइलस्टोन। संजीव जी हाँ बिल्कुल बताती हूँ, मैं एक्चुअली 2007 में आई थी दुबे जी के साथ एक थिएटर वर्कशॉप करने, पंडित सत्यदेव दुबे जी के साथ। अच्छा हाँ तो मैंने वो वर्कशॉप किया, फिर एक्टिंग मुझे हमेशा से करनी थी, लेकिन मैं क्योंकि अपने बारे अपने को लेके इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी, मुझे लगता था यार ना मैं गुड लुकिंग हूँ, ना मेरे पास ऐसे कोई बहुत कमाल के टैलेंट है कि मैं किसी को बोलूँ मुझे एक्ट्रेस बनना है। तो मुझे लगा कि मैं थिएटर वर्कशॉप करूंगी। फिर मैंने ओम कटारे जी हैं उनके साथ एक थिएटर वर्कशॉप किया, ऐसे करते करते थिएटर में मैं पूरी तरह से अपने आप को डाल दिया, और मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे स्क्रीन पे आना है या मुझे एक डेब्यू करना है या जो, कभी मेरे जहन में नहीं था। और 2012 में मैंने पहली एक एड की, और वहां से मुझे लगा नहीं यार मैं बहुत ज्यादा इस मीडियम को आंक रही हूँ, थोड़ा इजी होना चाहिए और थोड़ा सा ट्राई करना चाहिए। राइट तब मैंने 2012 के बाद ऑडिशंस देना शुरू किए, फिल्म ऑडिशंस। उसमें मुझे जो पहली फिल्म मिली वो थी बॉम्बे वेलवेट अनुराग कश्यप की, वहां से शुरुआत हुई मेरी फिल्मों की। फिर मैंने अनुराग बासु जो है उनके साथ नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स पे है अभी टैगोर स्टोरीज, आई डोंट नो आपने देखी है कि नहीं, देखिए स्टोरीज यस बाय टैगोर, देखिए उसमें फिर मैंने दो दो कहानियां की अनुराग बासु जी के साथ। फिर एक ओके जानू फिल्म है शाद अली की, वो की, और ऐसे करते करते मुझे जो आई थिंक जो मेरा एक अच्छा पार्ट जिसको मैं बोल सकती हूँ मेरा ब्रेक थ्रू रोल लाइफ का, वो मिला कामयाब में। कामयाब के बाद फिर मैंने राम प्रसाद की और फिर काफी वेब सीरीज की, और अब काला पानी पे पहुंची हूँ जी, स्लो एंड स्टेडी। बहुत ही हाँ ब्यूटीफुल सफर रहा है सारिका जी। मैं आपसे ना कुछ जल्दी वाले कुछ क्विक राउंड वाले क्वेश्चंस पूछूंगा, लेकिन उससे पहले मैं जी चाहता हूँ दीपिका कुछ अगर क्वेश्चंस उनके पास हैं तो आप करें, उसके बाद फिर हम लोग फाइनल राउंड पे चलते हैं। दीपिका जी जी बस मुझे तो बाकी तो सारी बातें मुझे लगता है हो गई हैं, मुझे बस काला पानी इस समय तो बस हाँ यही सोच।
मेरे और मेरे मैं हर भी किसी को दिलो बोलती दिमाग में हूँ, सिर्फ हर काला किसी को, पानी सीरियसली है। मैं हर किसी को बोलती हूँ, अरे तुमने नहीं देखी तो प्लीज जरूर देखना, बहुत देखना। हाँ वो जो उसमें सच में जो इमोशंस है ना, एक पल में आपको नॉर्मल दिखना है, एक पल में आप दिल खोल कर फूट कर रोते हो। एक सीन है जो एम्बुलेंस में अपने बेटे को देख के वो रोते हैं, या आप ओहो जब इतनी हिम्मत से कहती हैं उनको कि नहीं आप जाइए हम ठीक हैं, मतलब कितनी, जैसे कहते हैं हम बहुत आर्टिफिशियल कुछ नहीं, आम जैसे कहते हैं मिडिल क्लास फैमिली फील कर सकती है उस चीज को, कि आप और मैं से ही आप हैं, तो मतलब हम उसमें जी। कनेक्ट कर सकते हैं उन कैरेक्टर्स को। तो ये हाँ, चीजें बहुत हैं, बहुत कम सीरीज में एक वो जो दिखाई संवाद है देती सारिका जी का कि कोई तो काम कर लिया करो तुम भी, वो जो है है। हाँ, हर बार मुझसे कनेक्ट कर पहले, सकते उससे। हाँ कहीं हमसे पहले चले जाइए, सच में तो अब वो जाइए। चीजें जी, कहीं तो जाइए हमसे पहले। तो बात यही है कि जब आप किसी रोल में होते हैं और आम जनता आपसे कनेक्ट कर पाती है, वो आपको अपने जीवन का ही हिस्सा या अपने आप को उससे देख पाती है, तो वो मुझे लगता है कि वो रोल सक्सेसफुल। तो थैंक यू सो मच आपने बहुत दीपिका ही अच्छे से निभाया, हर कैरेक्टर जी, बहुत ही खूबसूरती निभाया गया है, मेरे सच्ची में मेरे जहन से नहीं उतर रही अभी काला पानी। तो बहुत ही थैंक बधाई फिर से आपको इस सीरीज के लिए, और हम यू आगे सो भी मच ऐसे ही दीपिका आपको जी, प्लीज। देखते रहें अलग अलग प्रिया भूमिकाओं में। ये कहिए जी, दीपिका जी कोई आपने। क्वेश्चन पूछने नहीं आई है आप, सबको थैंक आपको बधाई देने आई है सिर्फ आज। सीरियसली, मेरे एक्चुअली कोई आई थिंक क्वेश्चन शी कुछ रियली खास है ही नहीं, मूव्ड। इतना ज्यादा वो है ना, मुझे बहुत पसंद आई। चलिए सारिका थैंक जी, फिर हम लोग अपना क्विक राउंड शुरू करते हैं, ठीक है? यू जो जी ध्यान में आए जी ऐसे ही मजाक बिल्कुल। फन फन वे में चलेगा ये। तो मैंने कुछ क्वेश्चन बनाए हैं तो अच्छा चलिए, आपको कोई कैरेक्टर मिलता है जिसके पास कोई सुपर पावर है, ठीक है? आपको उस ओके। सुपर पावर है, तो वो सुपर पावर क्या होगी, उसका आप क्या करेंगे? ओके, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन नहीं था। मेरे पास अगर सुपर पावर आई तो किस तरीके की होगी, आपका सवाल हाँ था? जी हाँ जी हाँ जी कुछ हाईटेक होगी, कुछ कुछ डिवाइस टाइप होगी, शायद छल्ला होगा या फिर पेंडेंट होगा, जो भी उस टाइप का कुछ हाईटेक होगा। और उससे मैं सुपर पावर का यही इस्तेमाल करूंगी कि सब सब बस खुश रहे, उस सुपर पावर से लोगों को जो चाहिए बस ले ले, ये जितनी भी इनसिक्योरिटीज हैं और जेलसीज हैं, और एक इंसान जो रोज फाइट करता है, वो सब बस खत्म हो जाए, सब इजी हो जाए, इजी इजी इजी। ओके सुपर। अच्छा, मान लीजिए संजीव कपूर जो शेफ हैं जाने माने, वो आपको हाँ। अपने शो में बुलाते हैं और वो आपसे कहते हैं कि कोई ऐसी डिश बनाओ जो आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करे, तो कौन सी डिश होगी और क्यों? ओ वाओ, ओके। सर कुछ कुछ मीठा होगा, अच्छा सा, एक ज्यादा गर्म नहीं होगा, ज्यादा कोल्ड नहीं होगा, बट एक थोड़ा सा वार्म रूम टेम्परेचर वाला मीठा सा कुछ, जिसमें फ्लेवर्स भी होंगे, इलायची का फ्लेवर भी होगा, पिस्ता बादाम भी होंगे, और थोड़ा हेल्दी भी रहेगा, सो और यही होगा। दैट मींस यू आर कूल एंड स्वीट बाय पर्सनैलिटी। या आई वुड लाइक टू बिलीव ओके दैट। ग्रेट। अच्छा चलिए, आपको एक पुराने किसी फिल्म का आइटम नंबर प्ले करने का मौका मिलता है, तो वो आइटम नंबर कौन सा होगा? महबूबा, कौन सा हेलेन नंबर? का महबूबा, अच्छा महबूबा, ओके शोले में। शोले। हाँ, राइट ना। अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन कि आपको अगर बारिश हो रही है और आप जो है घूमने निकले हैं एंड कोई गाना जो आपके जहन में चल रहा हो, आप किसी को मिस कर रहे हैं काइंड ऑफ, कोई भी एक सिचुएशन ले सकते हैं, कोई भी गाना जो माइंड में आया। एक आशा भोसले का बहुत सुंदर गाना है जो मैं एक्चुअली हमेशा सुनती हूँ बारिशों में, वो है सीली हवा सो गई गीला बदन थोड़ा छिल सा गा गया। दीजिए। सीली हवा छू गई, छीला बदन, इला बदल।
नहीं, सी गीला बदन छिल गया, गीली ब्यूटीफुल, नदी के तले। हाँ वो मतलब मुझे बहुत सुंदर लगता है गाना, बहुत सुंदर मतलब उस गाना। गाने में रोमांस है, उस गाने में बस बहुत कुछ है। एक हॉन्टिंगनेस है उसके अंदर ना, तो काफी हाँ, गाना या आई लव दैट सॉन्ग। और जो मैंने इतना खराब गाया है, प्लीज इसको एडिट कर दीजिएगा। है। गलत लिरिक्स के साथ गलत गाया। ठीक है सारिका जी, तो ऑल द वेरी बेस्ट। आपने जितने भी आपके काम आने वाले हैं, वैसे क्या आने वाले हैं, कौन है आप बताइए कुछ, आपके कुछ सीरीज या अभी अपने। नहीं सर, अभी मैंने अभी कुछ शूट नहीं किया काला पानी के बाद, ऑनेस्टली, क्योंकि मैं वेट कर रही थी कि काला पानी आए, और दूसरी चीज कि कुछ कुछ अच्छे पार्ट्स आए, तो आई एम जस्ट चिलिंग एंड वेटिंग फॉर एंड थिएटर समथिंग हो गुड रहा है टू अभी? कम माय वे। हाँ थिएटर अभी कर रहे हैं अभी आप? तक तो सर, हाँ थिएटर मेरा चलता है सर, थिएटर के बिना तो कोई लाइफ नहीं है मेरी। तो अभी मेरा 19 नवंबर को एक नाटक है, अगर आप बॉम्बे में हैं, फ्री हैं, तो प्लीज आइए NMACC में, ओके हाँ, मैं आपको मैसेज करूंगी, आप अगर फ्री हैं तो प्लीज आइएगा। मैं तो, हम लोग दोनों दिल्ली में हैं, तो दिल्ली में कभी हुआ तो जरूर बताइएगा। हाँ डेफिनेटली सर, बिल्कुल बताऊंगी मैं। ठीक है, तो सभी जितने भी आपके आमने वाले प्रोजेक्ट्स आपके पास, आपको सब बहुत अच्छे आएंगे काला पानी के बाद, तो आपको थैंक बहुत यू सर, बधाई और शुभकामनाएं, और आप इसी तरह से अच्छे अच्छे रोल्स करते रहिए। जैसे आपने काला पानी में दीपिका जी जैसे बोल रही हैं कि आपने दर्शकों के साथ कनेक्ट किया, वैसे आप हर बार करती हैं, हर थैंक बार करते रहें, ये हमारी आशा है। और यू सर थैंक यू फॉर जी, दिस इंटरव्यू ऑल्सो, तो थैंक यू सर फॉर। थैंक यू। दीपिका जी, इज दीपिका जी देयर? हाँ जी, आई दीपिका एम जी आए कि आई चलिए? हाँ, ओके दीपिका एम जी, यू टेक केयर। बस सारिका जी, यू लुक सो डिफरेंट जो हमने रोल्स में आपको देखा है, और अभी हमारे सामने जो हैं, यू आर वेरी हाँ प्रिटी। थैंक यू, थैंक यू।